नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ फ्लॉपी डिस्क के बारे में। जी हाँ, फ्लॉपी डिस्क का इस डिस्क के बारे में, इसका काम क्या है, ये है क्या और इसे क्या क्या काम कर सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में। जी हाँ, फ्लॉपी डिस्क दोस्तों इन्वेंट हुआ था 1967 में। फर्स्ट टाइम डेट याद करके रख लो अगर आपको याद नहीं है। और दोस्तों मैं बताता हूँ फ्लॉपी डिस्क कितने टाइप के थे मेरे पास। तो यार और कहाँ चली गई। अच्छा एक मिनट दोस्तों, मेरे पास कुछ है फ्लॉपी डिस्क, कुछ क्या मेरे पास ढेर सारी है पड़ी हुई है, मतलब भर के। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, ये तो दोस्तों मेरे पास है छोटी फ्लॉपी डिस्क। जी हाँ, छोटी सी फ्लॉपी डिस्क है जिसका साइज दोस्तों 3.2 है, लगभग 3 इंच है। और दोस्तों पहले की जो फ्लॉपी डिस्क आती थी, मैं बताता हूँ उसके साइज जो दोस्तों था बड़ा था, और दोस्तों वो था 5.25 इंच का। जी हाँ, 5.25 इंच का। तो दोस्तों इसे याद रखने में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है इसे, दोस्तों इस बात पर लाइक कर दो वीडियो को। तो दोस्तों वो था 5.2 इंच का कुछ लगभग था दोस्तों। तो दोस्तों उसको हटाया क्यों हमने दोस्तों, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। उसको हटाने का रीज़न ये था कि दोस्तों वो जो थे दोस्तों, मतलब हमारी पहले की फ्लॉपी डिस्क थी दोस्तों, उसका साइज दोस्तों इतना ज़्यादा था कि दोस्तों उसमें डस्ट पार्टिकल बहुत ही जल्दी घुस जाते थे और दोस्तों उसे करप्ट कर देते थे। मतलब वो हमारी फ्लॉपी डिस्क हो जाती थी करप्ट, या फिर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे हमारे पर्सनल कंप्यूटर में, IBM पर्सनल कंप्यूटर में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों उसी को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई दोस्तों हमारे लिए ये छोटी सी फ्लॉपी डिस्क। हाँ, 3.2 इंच की फ्लॉपी डिस्क दोस्तों। ये दोस्तों जो मेरे पास है वो CD-ROM की है दोस्तों। इसका रैम रोम सब सारी चीज़ों में दोस्तों उस समय इसी का इस्तेमाल होता था, क्योंकि उस समय हमारे पास एक्सटर्नल यूजर्स के लिए कोई भी, मतलब पेन ड्राइव या फिर डाटा मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी चीज़ें नहीं थी, मतलब डाटा स्टोर रखने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। तो दोस्तों इसलिए उस समय बना था फ्लॉपी डिस्क दोस्तों, बहुत काम आता था उस समय दोस्तों। उसमें हम अपनी फाइल रख सकते थे, लेकिन दोस्तों उसमें एक प्रॉब्लम थी, हमें बहुत सारी फ्लॉपी डिस्क खरीदनी पड़ती थी। और दोस्तों भले ही ये इतनी महंगी नहीं थी, लेकिन बहुत सारी खरीदनी पड़ती थी क्योंकि इसकी साइज़ बहुत छोटी छोटी है, मतलब 1 MB 2 MB, और रैम में इस्तेमाल हुआ तो कम से कम 6 MB ऐसे आती थी ये फ्लॉपी डिस्क की साइज़। तो दोस्तों इसीलिए इसको बदलना पड़ा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है दोस्तों। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, वो डेबिट कार्ड वाली, जिसमें मैंने बताया एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में, तो दोस्तों उसे जाके जल्दी से देखिए, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और दोस्तों ये है दोस्तों, ये हमारे पास फ्लॉपी डिस्क दोस्तों। इसमें जो इस्तेमाल हुआ दोस्तों वो हुआ है मैग्नेट का। जी हाँ मैग्नेट दोस्तों हमारे पास जो फ्लॉपी डिस्क है उस समय इस्तेमाल हुआ है मैग्नेट का। जी हाँ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, सर्कुलर पाथ है मतलब मैग्नेट का, जिसके अंदर हम हमारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे डेबिट कार्ड के पीछे एक स्ट्रिप होती है, ब्लैक कलर की लाइन होती है, जिसमें हम हमारा मतलब मनी स्टोर कर सकते हैं, मतलब हमारी करेंसी स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं पैसे के नाम पे। तो दोस्तों उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, उसी रील दोस्तों हमने पुराना, मतलब आपके पास कोई भी टेप रिकॉर्डर होगा उसमें जो रिकॉर्डिंग रील होगी उस रील की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर। अब दोस्तों आपने जान ली टेक्नोलॉजी कब बना था ये भी जान लिया, और इसका काम क्या था ये भी जान लिया। अब दोस्तों इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स है दोस्तों, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने एक तोड़ के रखा था दोस्तों, ये वीडियो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी वो हो गई किसी कारण करप्ट, तो दोस्तों मेरे को ये बनानी पड़ी वापस से। तो दोस्तों इसे मैं तोड़ के दिखा देता हूँ, इसे मैं पहले से तोड़ रखा था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों साइड में, मतलब आपको एक कवर मिल जाएगा जिससे हमारी फ्लॉपी डिस्क की ये मैग्नेटिक, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल जो ब्राउन कलर की है, ये मैग्नेटिक स्ट्रिप का इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर दोस्तों, मैग्नेट का इस्तेमाल हुआ है डाटा स्टोर करने के लिए, ये खराब ना हो जाए इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता था साइड में। तो दोस्तों इसे हटा देता हूं मैं। इस डिस्क के अंदर हमारा पूरा डाटा स्टोर होता था, इसके अंदर कम से कम 2-3 MB का होगा ये। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा डाटा स्टोर होता था, आपने देख लिया अंदर से कैसा है बाहर से कैसा है। अब मैं इसका प्रोसेस बता देता हूं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये जैसे मेरे पास फ्लॉपी डिस्क है दोस्तों, ये जाती थी हमारे मशीन के अंदर, और इसके इधर जो ये दोस्तों सर्कल दिख रहा है इसके अंदर दोस्तों, इसकी जो मशीन आती थी उसके अंदर ये फ्लॉपी डिस्क ऐसे जाती थी, और मशीन में ये हुक लगता था, और इसे कम से कम 300 से 400 एम्पियर तक घुमाता था स्पीड से। तो दोस्तों इसके कारण दोस्तों वो हमारी, मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जो भी है उसे रीड कर पाता था फ्लॉपी डिस्क हमारा, और दोस्तों इसका इस्तेमाल होता था। अब दोस्तों जो मेरे पास है वो छोटी वाली फ्लॉपी डिस्क, आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी डस्ट जाने का मतलब नामो निशान नहीं है। यहाँ से तो भले ही वो घूमेगा, यहाँ से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है यहाँ पे। और दोस्तों मैं दिखा दूँ आपको,
दोस्तों ये आपको कुछ दिख रहा होगा ब्राउन कलर का, दोस्तों इसे रीड करता था मशीन में जाने पे, ये ऐसे कुछ लगता था और ऐसे ही साइड हो जाता था, जिससे इसे रीड कर पाता था हमारा पर्सनल कंप्यूटर और हम हमारा डाटा स्टोर करके रख पा रहे थे उसके अंदर उस समय। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पुरानी टेक्नोलॉजी भी कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, एक मिनट रुक जाना, कुछ और भी था दोस्तों। ये गिव है दोस्तों मेरी तरफ से, दोस्तों एक चार्जर है दोस्तों, ये कितने का है मतलब 599 का चार्जर है और लगभग 500 में मेरे को मिल गया। तो दोस्तों इसका गिव अवे मैं करना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई भी स्मार्टफोन है तो इसे फास्ट चार्जिंग कर देगा, फटाफट से कर देगा इसे फास्ट चार्जिंग। दोस्तों इसमें दो मोड है, एक तो दोस्तों आप 2 एम्पियर तक पे कर सकते हो और एक इससे कम भी कर सकते हो। तो दोस्तों आपको अगर चाहिए फास्ट चार्जिंग तो आप उसे 2 एम्पियर के प्लग पे लगा सकते हो। तो दोस्तों यही था इसके लिए दोस्तों आज का ये गिव अवे। दोस्तों इसे जीतना कैसे मैं बता देता हूँ, वीडियो को लाइक करना जरूरी है क्योंकि जब भी मैं रैंडम कमेंट पिकर से उठाऊंगा वीडियो के मतलब विनर्स को, इस विनर को, तो दोस्तों मैं देखूंगा उसने इसको लाइक किया या नहीं किया। दोस्तों कमेंट एक ही होना चाहिए, नहीं कमेंट आप कितना भी कर सकते हो दोस्तों, आपके लिए छूट है, कमेंट आप कितना भी कर सकते हो, बस वीडियो पे लाइक होना चाहिए। दोस्तों इसी के लिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आने के लिए और अनबॉक्सिंग आने के लिए दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जाने से पहले दोस्तों प्लीज ऐसे नीचे लाल कलर का ऐसा लाल कलर का बटन होगा उसे दबा के जाना तो आप जुड़ जाओगे हमारे चैनल में दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूं अगली वीडियो में दोस्तों होने वाली है अनबॉक्सिंग, जो कि दोस्तों बहुत ही कूल तरीके से होने वाली है। तो जाइए जल्दी से फटाक से और फॉलो कीजिए मेरे को इंस्टाग्राम ट्विटर पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके फॉलो कर लो। इस वीडियो को लाइक किए बिना तो जाना मत दोस्तों, तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।